हमारा जो मोबाइल होता है, देखते हैं कि आप काफी सारे मोबाइल में जब आप न्यू मोबाइल लेते हैं तो आपको 1 साल 2 साल या कुछ साल आपको क्या है फास्ट और अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं तो आपको क्या होता है मोबाइल स्लो वर्क करने लग जाता है। लेकिन इसका क्या कारण है? या तो फिर आपके जो नए मोबाइल हैं उसमें भी आप चाहें तो इसके मदद से अपना जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूँ यहाँ पर कि जो मेरे जो व्यूअर है वो 91+ जो है वो नॉट सब्सक्राइब, जो मतलब नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो मेरे वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपको वीडियो देखने के लिए ही धन्यवाद, और बाकी आपको जब आप हर एक वीडियो जब देखते हैं तो आप सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं। खैर, हम इसमें सब्सक्राइब का बात नहीं करने वाले हैं, इसमें हमको स्पीड बढ़ाना है अपने स्मार्टफोन का। या तो फिर नया हो तो आपको फास्ट काम करेगा, और इसको कर देंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा। या तो फिर पुराना है तो पुराना का तो है ही स्पीड कम। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो देखिए, फर्स्ट में आपका आता है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। अभी इनेबल कैसे करना है, मैं आपको हर एक यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को देख लो या तो फिर आप इस वीडियो को देख लो, ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आपको जो भी बताऊंगा इसी वीडियो में और किसी भी वीडियो पर मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला हूँ कि ये वीडियो देखो वो वीडियो। आपको अगर पसंद आता है तो हर एक वीडियो देखिए, नहीं पसंद आता है तो किसी भी वीडियो को नहीं देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको डिस्प्ले पर आ जाना है। देखिए मैं डिस्प्ले पर आ गया हूँ। इसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर ऑप्शन। अगर आपको नहीं दिखे तो आपको खोजना पड़ेगा, ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन खोजने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है, और वहां पर आपको देखिएगा एक ऑप्शन दिखेगा बिल्ड नंबर। तो देखिए मेरा यहाँ पर है बिल्ड नंबर। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। एक बार, दो बार, तीन बार क्लिक नहीं करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक दो बार या तीन बार चार बार आपको क्लिक नहीं करना है। इसके लिए आपको 7 to 10 टाइम आपको इस पर क्लिक करना है। 7 to 10 टाइम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा में एक ऑप्शन सॉरी मैसेज शो कर गया, डेवलपर ऑप्शन हैज इनेबल्ड का। तो आपका स्मार्टफोन में मैसेज शो करेगा योर डेवलपर ऑप्शन हैज इनेबल्ड। मेरा में शो किया है इसलिए ऐसा, क्योंकि मैं पहले से ही इसको इनेबल कर रखा हूँ और टेस्ट कर रहा था। क्योंकि मैं जो भी सेटिंग वगैरह आपको बताता हूँ पहले हम अपने स्मार्टफोन में इसको टेस्ट करते हैं ताकि आपको इससे कोई दिक्कत ना हो। इसमें कोई दिक्कत बुझाता तो मैं आपको बताता ही नहीं। इसके बाद आपका इनेबल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक चले आना है। जब आप बैक आएंगे तो आपको फिर से उसी सेटिंग वाले ऐप पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करके आप सेटिंग में आ गए, आपको फिर से डेवलपर ऑप्शन खोजना है। डेवलपर ऑप्शन जैसे ही मिल जाए तो देखेंगे आप उसके अगल बगल कहीं भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। तीन ऑप्शन में फर्स्ट जो आपका है, देखिए मैं आपको देख के बता देता हूँ। फर्स्ट में आपका ऑप्शन आता है विंडो एनिमेशन स्केल। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 0.5x पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल पर क्लिक करना है, और इसमें भी 0.5x कर देना है। इसके बाद आपको एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पर क्लिक करना है और 0.5x कर देना है। इन तीनों पर 0.5x कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका जो स्पीड है इंक्रीज हो गया है। तो वीडियो को पूरा देखने